बेबीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारा स्वागत है एक बार और मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप सभी लोग खुश हो गए, हैप्पी हो गए एंड हेल्दी हो गए अपने घर में। तो आज शुरुआत कर रहे हैं हम अभी आज से व्लॉग की। आज ना सुबह सुबह यहाँ गली में ना राम जानकी विवाह था, मतलब जिसमें ना कुछ जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह कराया जाता है, यहाँ पर शादी की करते हैं। सुबह मेरे ख्याल से 7:45 बजे एकदम से ना म्यूज़िक की बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी। फिर उसके बाद जब देखा तो वो रामायण की चौपाइयाँ चल रही थी, तो मैं समझ गई थी कि यहाँ पे ना बहुत दिन से डेकोरेशन का काम चल रहा था, तो वही वाली शादी होगी। और उसके बाद दोपहर तक ना वही चलता रहा, मतलब लेट आफ्टरनून नहीं, अर्ली आफ्टरनून तक वो चलता रहा। और काफ़ी अच्छा हुआ आई गेस, क्योंकि यहाँ बारात वगैरह हर एक चीज़ की आवाज़ ना क्लियरली हमारे इस वाले रूम में आ रही थी। तो मैं तो अपने सुबह के कामों में बिजी थी, उसके बाद अब जाके टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो ठीक है, छुट्टी वाले दिन कुछ 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 चीज़ें होती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। आप बने रहना चैनल पर, न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना, पुराने हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड बहुत सारा प्यार बरसाना। चलो करते हैं स्टार्टिंग आज के व्लॉग की। तो दोस्तों अभी हम लगाने वाले हैं यहाँ पे नारियल का तेल, जो कि पूरा की पूरा की पूरा की पूरा की जम चुका है, बट उसको अभी हम यहाँ पे सबसे अच्छी धूप आ रही है ना तो यहाँ रखेंगे, ताकि 2 मिनट में ये 2 मिनट में तो हो ही जाएगा आई गेस, पतला पतला सा हो जाए, पिघल जाए। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसको अपने इन ड्राई ड्राई से पैरों पर, कितने ड्राई हो चुके हैं ये, गोले के भी लगाएंगे, गोला लगाएगा गोले का तेल। कैसे बनी रही नोनू, तेरा पौधा जो तू लाया था पीछे पूरा नीचे लटक चुका है, दैट मीन्स ये खराब हो रहा है, इसका कुछ कर ले। जब लाता है ना चीजों को, ये पौधा बहुत एडल्ट हो चुका है। अच्छा अभी लाया था, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले एडल्ट वाले लेकर आए थे। तुम बच्चा लेकर आना चाहिए, पागल है बावली पूछ। ये देखो छोटी छोटी हरकतें इसकी, बस यहाँ पे मस्त धूप आ रही है गाइस। और मस्त धूप में हमने सोचा कि जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, तब तक हम थोड़ी मालिश मसाज कर लें, है गोलू? वाओ यार, अच्छे से तिल लगाइयो, कितना सुंदर लग रहा है हाथ मेरा धूप में। मुझे ना ये बिल्कुल नहीं पसंद, ये जो वाहिया चीजें तू लगा रखा है, ये लाल 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 नहीं है ये, पहली बात तो लाल लाल है। छी नूनू, तुझे नहीं पसंद तो क्या, मुझे पसंद है। तुझे कॉस्मेटिक्स नहीं पसंद तो ये थोड़ी है, मैं लगाऊं? देख लो सारे आम यहाँ पे, पानी में डाल दूंगा, धो दूंगा इसको, फिर क्या होगा? छुटका नीचे ऐसे से रगड़ दूंगा इसको। मैं तो सोचती हूँ कि कुकी के भी लगा दूं ऐसे, लेकिन उसके इतने सारे नेल्स हैं, थक जाएंगे हम लगाते लगाते। तेरे जितने उतने उसके तू कितना सही आ रहा है यार, धूप कमाल कर देती है कसम से। धूप कमाल, जो जो थोड़ा है नहीं वो भी चमक रहा है। अभी दिखाती हूँ तुझे खुद को। तो गाइस तेल मालिश हो चुकी है एकदम, देखो कैसे मस्त चमक रहे मेरे पैर तेल लगाने के बाद। और उसको 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 नहीं दिखा सकती, पैर पैर देख लो बस बेचारे के, वो बेचारा अपना शॉर्ट्स ढूंढ रहा था, शॉर्ट्स मिले नहीं, तो पुराने जमाने के जो मर्द होते हैं ना उनकी तरह रणबीर कपूर बनकर आया है। कौन सा वाला, कौन सी मूवी में था वो, तब से दीवाना हुआ सांवरिया टाइप। गोलू नाउ इट्स टाइम टू टेक बाथ, मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद आप नहाना। तो गाइस नहा दोगे, मिलते हैं आपसे। क्यों होता है सर्दियों में ये रूल हटा देना चाहिए, ये रूल हटा हुआ है, ये रूल हट सकता है, बहुत से लोग नहीं नहाते सर्दियों में, पर मेरे साथ रहने वाले लोगों को नहाना पड़ता है, क्योंकि मुझे चीची बाबू नहीं पसंद। खुद तो नहाती नहीं, हफ्ते में एक बार नहाती है, दूसरों को बोल रही है। ये बात तू महादेव की कसम खा के कह दे तो मैं मान जाऊं तुझे, ठीक है? मैं वो लड़की हूँ जो फीवर में भी बिना नहाए नहीं रह सकती थी, तो मुझे तो बोल मत, ऐसा कुछ नहीं है। देख लिया कितना बदनाम कर रखा है मुझे, मैं इसकी सच्चाई बता रही हूँ और मुझे ही बदनाम कर रहा है ये। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे चिच्ची बेबीज बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसीलिए वैसे ज्यादातर लोग सर्दियों में नहीं नहाते, ये मुझे पता है, एक एक दो दो दिन का गैप मार देते हैं। बट मेरी बचपन से आदत है कि नहीं भाई मुझे रोज नहाना है तो नहाना है, बुखार है कुछ भी है नहाना है, जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जब तक ना पड़ जाए ना तब तक मैं नहीं रह सकती। और मैंने फेस पे भी लगा लिया ऑयल, क्योंकि मेरी ना पता नहीं इस विंटर में ज़्यादा ही फटी है स्किन सारी की सारी, यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से, तो कोकोनट ऑयल से कहते हैं हीलिंग हो जाती है। अभी थोड़ी सी धूप सेक के हल्की बहुत सीधा जाएंगे नहाने और फिर मिलेंगे आपसे।
यहाँ ना एक गजब की चीज हुई है। गजब की क्या, मेरे लिए पहली बार मैंने ये देखा। मम्मी को तो मालूम था ये ग्रीन ग्रीन ना उगने लगा, और मैं सोच रही थी कि भाई पता नहीं क्या हुआ। कल मम्मी घर पे आई तो कहती है प्याज ना पूरी की पूरी पक चुकी है, तो इसको तू ना उसमें गमले में डाल के बो दे। तो भाई मैंने जितने भी ऐसे ऐसे वाली थी ना सब निकाल दी है। अब नोनू से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बो के देखते हैं कि हमारे पास और प्याज आती है या नहीं। मैं ये रखे रखे ही हो गई, इसके अंदर मैंने रखी हुई थी, इनके साथ ही ये छोटी छोटी जो है, और ये ऐसे उग गई हैं, बदमाश प्याज। देखते हैं इनको हम बोएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है इसका रिजल्ट। ये देखो, अभी मैं जस्ट बोल रही थी एंड काम हो भी गया, प्याज उगा दिया गोलू ने यहाँ पे, एंड ये रही मिट्टी। और सिद्धार्थ को ना गालियां पड़नी चाहिए, सच में हद कर रखी है उस लड़के ने। क्या किया उसने बताते जल्दी, ऐसे दबा दबा के उसको मिट्टी ऊपर रखा था, लिटरली तभी ऐसे एलोवेरा ना ग्रो भी नहीं किया। पत्थर जैसी टाइट हो रही थी ये मिट्टी, उसने ही ना ये वाला और यहाँ पे इसकी एलोवेरा। सोच, ये मिट्टी इतना था, मतलब इससे और नीचे था याद कर एलोवेरा का, अभी इतना बचा है ऊपर से मिट्टी, और ये फुल हो गया है हल्के इसी से। वाले गमले में ना एलोवेरा का प्लांट लगा हुआ था हमारा, जो सिद ने लगाया था, लेकिन इतना बेकार तरीके से लगाया था। अब ये सब उखाड़ा है हमने, क्योंकि वो ना ऑलरेडी मर चुका था प्लांट। अब उसकी जगह हमने यहाँ प्याज बोए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, नहाना धोना ऑल डन हो चुका है एंड हमने लगा दिया प्याज का पौधा भी। और अभी फिलहाल मैं हूँ किचन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम है किचन में, और अभी बनने जा रहा है लंच। बहुत लेट हो गया है आई नो, बिकॉज हमने ना ब्रेकफास्ट ही देर से किया था, तो अभी लंच खाने का बिल्कुल भी कोई मन नहीं था। अब जाकर प्रशांत को भूख लगी है, तो आटा तो ऑलरेडी मैंने गूंद के रखा हुआ है। अब मैं फटाफट से छोड़ूंगी सब्जी, और सब्जी में हम क्या बना रहे हैं अब भी दिखाती हूँ। यार कहते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये ग्रीन ग्रीन सी हम बीन्स बनाएंगे आलू के साथ, और वो भी इस लोहे वाली कढ़ाई में मस्त तरीके से। और रोटी खाएंगे इसके साथ में, क्योंकि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाए थे, तो अभी एक टाइम हम रोटी खाएंगे और शाम को देखेंगे चावल खाएंगे या क्या खाएंगे। चलो जल्दी से इसको मैं फटाफट से बनाती हूँ और फिर रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और सर्दियों में तो ऐसी सब्जियां ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। आप लोग भी कमेंट करके बताना किसको किसको पसंद है और किसके घर में बनती है ये वाली सब्जी। ना मेरी मम्मी मेरी मासी दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। पता नहीं मौसी को मम्मी को ऐसा क्या लगता है कि मैं पता नहीं अनोखा इसमें क्या डालती हूँ। उनको ना बेसिकली इसका अरोमा बहुत ज्यादा पसंद है, और अभी जो खुशबू आ रही है ना वो लिटरली बहुत अच्छी है। इसकी पूरी रेसिपी ना मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी रील्स के थ्रू, तो तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि ये कैसे बनती है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो, और रोटी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है, फुलके के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हो। सर्दियों में तो लोग पराठा भी ज्यादा खाते हैं ना। अभी एक बार रंगत चेक कर लेते हैं, आपको देख के खुद पता चलेगा कि कितनी ज्यादा अच्छी बनती है ये। तो ये देखो फ्रेंड्स, चेक कर लो इसके अंदर सारे मसाले और सब कुछ डाला है, बस नहीं डाला तो एक चीज, पानी। बिना पानी के आपको इसे पकाना है तब भी ये ज्यादा अच्छी बनेगी, और पानी डाल दिया ना तो उतना अच्छा टेस्ट इसका नहीं आएगा। एंड अगेन, ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये रेसिपी है मेरे स्वामी जी यानी पति देव प्रशांत जी की। अब बस इसको हम ढक देंगे जब तक ये धीरे धीरे पकेगी एकदम मंदी आंच पर। बस मंदी आंच पर, देखो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे स्लो स्लो। तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है ना, तब तक मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि प्रशांत को ना सीक्रेट सांता में क्या गिफ्ट मिला। एक्चुअली उसके ऑफिस में वो गेम हुआ था सीक्रेट सांता वाला, जिसमें मतलब वही होता है सिंपली के चिट्स निकालते हैं, जिसका नाम आता है उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को जिसका नाम आता है उस पर्सन को गिफ्ट देना होता है, ठीक है। तो वो सीक्रेट सांता गेम हुआ था, और उसमें ना नूनू को क्या मिला, मैं पिछली बारी ना इतनी खुश थी बिकॉज गीतांजलि दीदी के पास आया था, तो उन्होंने दिए थे हेडफोन्स और वो मैंने हड़प लिए थे। लेकिन इस बारी भी मैं प्रे कर रही थी यार कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे मिल जाए, बट नहीं, इस बारी नूनू के ही काम की चीज़ें मिली हैं, और दो चीज़ें तो मतलब बिल्कुल ही उसकी उसी के लिए हैं वो, समझ लो। मैं तो उस चीज़ को यूज़ कर ही नहीं सकती, और उसी को प्यार है उन चीज़ों से। तो चलो तो मैं दिखाती हूँ उसको सीक्रेट सांता में इस बारी क्या मिला है, चलो देखते हैं भाई। लिटरली मुझे इतनी हंसी आई थी ना, पहले थोड़ा सा दुख हुआ कि यार ये तो मेरे मतलब का नहीं, फिर मुझे लगा कि क्या मिला है उसको, देखा दिखाती हूँ, मतलब उसकी ही पसंद की चीजें हैं सारी। सबसे पहले तो गाइस, एक ये बॉटल मिली है उसको, ठीक है, टेम्परेचर वाली, ये वाली बॉटल उसको मिली है, जिसको देख के वो काफी खुश था बिकॉज उसको ये बॉटल अच्छी लगी थी बहुत। और ये भी अभी ऑफिस तो वो ही जाता है तो उसी के काम आएगी, मैं भी नहीं हड़प सकती, हाँ इधर उधर जाने के लिए ले जा सकती हूँ, बट ज्यादा उसी के काम आएगी। दूसरी चीज ये है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोलर जो भी है, तो ये उसको मिला है, उसको एवेंजर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये उसी के काम का है। और ये है भी कितना प्यारा सा, टोई टोई उसी की तरह है, हमेशा हर बात पे ना बोलता है, देखो नो नो गर्दन इसकी ना में ही हिल रही है। तो एक उसको ये टॉय मिला, एक उसको ये बॉटल मिली, और एक चीज और मिली थी जो मैंने बाहर लगा दी है हमारे मेन गेट पर,
दिखाती हूँ उसको देखकर ना आज ममता आंटी बोलती ये क्या भूत जैसा है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये भूत नहीं है, ये क्या है, ये स्पाइडरमैन। ये भी उसको बहुत ज्यादा पसंद है तो ये हमने सोचा कि यहीं पे लगा देते हैं, और कोई जगह पे ये सूट कर नहीं रहा था घर में मेरे, सो इसीलिए मैंने इसको यहीं पर लगा दिया। पिछले साल ना ऑफिस की देखा देखी इस साल हम लोगों ने भी आपस में सीक्रेट सांता खेलने का डिसाइड किया था, मैंने, मम्मी ने और प्रशांत ने। तो एक्चुअली में वो गिफ्ट्स आने तो थे क्रिसमस वाले दिन के हिसाब से, मैंने सोचा था कि यार तभी मिले जब हम ट्री वगैरह सब सेटअप कर ले, क्योंकि मुझे ट्री वगैरह लगाना सब कुछ बहुत पसंद है, क्रिसमस की वाइब भी अलग हो जाती है। लेकिन हुआ क्या कि वो सब कुछ पहले ही रिसीव हो गया, मेरा जो गिफ्ट था वो भी पहले आ गया और जो प्रशांत ने मुझे देना था वो भी पहले आ गया। तो हम लोग उससे सब्र तो हुआ नहीं, खोल के देख लिया है, लेकिन यूज हम तभी करेंगे जब हम उसको ट्री के नीचे रख के विश मांग लेंगे। मम्मी का गिफ्ट आना बाकी है, उसने और मैंने दोनों ने अभी जो लेना है मम्मी को, मम्मी को वो नहीं पता है कि हम क्या उनको देने वाले हैं, तो उनके लिए ही रियल सीक्रेट सांता चल रहा है अभी। और मुझे और इसको क्या क्या मिला है वो भी आप क्रिसमस वाले व्लॉग्स में देखना, अभी दिखा दूंगी तो मजा खराब हो जाएगा, ठीक है ना, तभी देखेंगे। जैसा तू है वैसा ये है। कैसा है गोलू इज हेयर फॉर दी रेस्क्यू। यार हल्की सी सब्जी लग गई, नजर लग गई, पता है मैं खुद ही बोल रही थी ना बहुत अच्छी बनती है ये, पर तू इसे ठीक कर सकता है, आई नो तेरे अंदर वो ताकत है गोलू। बेचारा अभी नहा के आया है और क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं इसको। हल्की सी लगी है, बिल्कुल हल्की सी अजी हाँ नी हाँ हल्की सी लगी है, मैं भी घिस रही थी उसको, ज्यादा मत बोल ज्यादा इस... इससे यूज मत करियो, ये दोनों है ना औजार इससे यूज करियो। क्यों इसमें क्या दिक्कत है, हो रहा है क्या, चिपक गया ना वो नीचे से निकल जाता। क्या हुआ है, चिपक गया है ये। तूने अभी बोला चिपक गया है। सो गाइस हम छुड़ाते हैं इसको और आपसे मिलते हैं खाना खाते टाइम। वैसे तो आप देख ही चुके हो कि लंच में क्या बन रहा है, सो मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, बाकी की जो भी मस्ती होगी वो अगले व्लॉग में देखेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा लंच बहुत लेट हो चुका है। फटाफट से मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पसंद करूंगी क्योंकि मेरी चिदाई हो चुकी है ऑलरेडी। खाते हैं, लंच करते हैं और उसके बाद आज ज्यादा कुछ होने नहीं वाला क्योंकि हम इसके बाद सीधा शायद थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे मम्मी के घर या कुकी से मिलने या क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो जो मेन मेन चीजें थी वो हो गई है और काफी कुछ मैंने शूट करके दिखा भी दिया है। तो मिलेंगे नए व्लॉग में, आप तब तक के लिए इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पे न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब करें मत जाना प्लीज। और जल्दी मिलूंगी, बाय 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 बाय, बोलू से बाय बाय ब्रो बाय।